तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज, आज वाली वीडियो में दोबारा से खेलने जा रहा हूँ मैं चूबा, सॉरी ग्राउंडेड। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज, आज वाली वीडियो में दोबारा से खेलने जा रहा हूँ ग्राउंडेड। और ये वाला गेम देखो गाइज, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि पहली वाली वीडियो में लगता है थोड़े बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये वाला गेम किस टाइप का है। तो ये वाला गेम ना, जिन लोगों को माइनक्राफ्ट पसंद है ना, उनको भी ये बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि ये वाला गेम माइनक्राफ्ट की तरह ही है। मतलब थोड़ा बहुत इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, पर माइनक्राफ्ट की तरह ही है। ये भी सर्वाइवल गेम है, इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें जो हम लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, मतलब चीटी के बराबर के हो जाते हैं, इतने ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। और लास्ट वाली वीडियो में कहा था, हम लोगों ने मिस्टीरियस मशीन थी ना, उसको हमने पूरा के पूरा एकदम सही कर ही लिया था, बट उसमें फॉल्ट वगैरह हो गया। तो एक ओक ट्री है, उसमें आग लग गई थी, तो आज हम लोग उसी को देखने जाएंगे कहाँ पर आग लगी है, और शायद उस वाली आपको हम लोग बुझाने जाएंगे। और उससे पहले मेरे को और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो यहाँ से गाइस अभी मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखो मेरे हाथ में पता है अभी हथौड़ा लगा हुआ है, और यहाँ पर रात भी हो रही है, तो ये अपना बैकयार्ड है, और ये देख रहे हो ये सब घास है, ठीक है। तो हम लोग इतने छोटे हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये मेरा बेड है, मतलब माइनक्राफ्ट की तरह ही है। देखो मेरे हाथ में कुल्हाड़ी, हथौड़ा और ये भाला वाला सब है, और इसमें भाला मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है, ये दूर से मार सकते हैं हम लोग कुछ। ये मेरी वो है ट्रॉली, या फिर हम लोग कह सकते हैं चेस्ट है, इसमें मैंने सामान वगैरह रख रखा है अपना, तो ये काफ़ी मस्त है। इसे हम लोग और भी बना सकते हैं शायद, अभी मेरे पास एक ही है, ये भी भर चुकी है। तो कहते हैं देखो अभी मैं सो लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर रात हो रही है, और रात में ओके तो देखो कौन है, मधुमक्खी है। ये सब हमारे पास अटैक करेंगी या नहीं करेंगी ये नहीं पता, इसमें कीड़े वगैरह हम लोग पाल भी सकते हैं पता है, और ये पेट वगैरह शायद हम मारेंगे नहीं, और मारेंगे भी तो मेरे पास कुल्हाड़ी है, मैं मार दूंगा इस मधुमक्खी को, पर ये डंक मार के मेरे को मोटा कर देगी भाई, तो मैं इतना छोटा बैठती हूँ, गोलगप्पा और हो जाऊँगा। तो यहाँ पर वो क्या चीज़ है भाई, वो चमक रही है, वो कुछ अजीब सी चीज़ लग रही है मेरे को, कुछ होगा वो। तो यहाँ से अभी रात हो रही है, कहाँ ये रहा। तो अभी यहाँ पर सोने का टाइम कितना आ रहा है, तो मैं यूज़ करके देखता हूँ। तो हम लोग ना 20 बजे सो पाएंगे, 20 से 6 का टाइम है यहाँ पर सोने का, अभी 19:32 हो रही है, तो मेरे को थोड़ा सा सेकंड और इंतजार करना पड़ेगा सोने के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मेरे को क्या क्या करना है। तो यहाँ पर देखो मेरे को एक वर्क बेंच बनानी है, और मेरे को अपने जो कंबल है ना बेड, उसमें सोना एक बार, और जो आग लगी थी लास्ट वाली वीडियो में ट्री के नीचे, उसे देखने जाना है कि कहाँ पे आग लगी हुई है, जिससे हम लोग देख पाएंगे आखिर क्या चल रहा है, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे देखो क्राफ्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये प्लैंक पैलेट, स्टैम्प पैलेट, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे को वर्क बेंच बनानी है, तो वर्क बेंच के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी, मेरे पास ग्रास प्लैंक है, स्प्रे है मेरे पास, सैप ये चीज़ है कोई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मेरे को दूर के लाना पड़ेगा, तब हमारी वर्क बेंच बन पाएगी। और वर्क बेंच में शायद हम लोग अपने शायद वेपन्स वगैरह को एडवांस करा पाएंगे मेरे हिसाब से, है ना, ऐसा ही होगा। और नीचे खाने पानी का आ रहा है, मेरे को खाना भी खा लेना चाहिए, मेरे पास अभी मशरूम है तो उन्हीं को खा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई खाना पानी का भी ध्यान रखना है पूरा पूरा। और पानी तो भाई कहाँ से पीऊँगा पानी, तो मेरे को यहाँ से फ्रेश वाटर का सोर्स देखना पड़ेगा। यहाँ पर घास वहाँ पर बूंदें लटकी रहती हैं, बारिश की बूंदें होती नहीं है, तो उन्हीं को तोड़ के हम लोग पी लेते हैं, तो हमारे लिए फ्रेश वाटर होता है। तो यहाँ से अभी मेरे हिसाब से ओके हम लोग सो सकते हैं हम लोग, तो अभी सो लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, तो इसमें एनिमेशन ही नहीं कराई सोने वाली, जल्दी से सुबह हो गई बस, ठीक है बढ़िया, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी हो भाई। इतनी बजे मैं जिंदगी में कभी उठाऊँ क्या 6 बजे? वैसे 6 बजे तो मैं उठाऊँ, बट यार इसमें कुछ अच्छा लग रहा है 6 बजे उठने के बाद, ठीक है। तो हम लोग जाने वाले हैं, पहले तो पानी की तलाश करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग गंदा पानी भी पी सकते हैं, बट अच्छा पानी हमें पीना है भाई, गंदा पानी हमें नहीं पीना। तो यहाँ पर मेरे पास कुल्हाड़, ओके देखो पानी की बूंद इस वाले पेड़ पर टंगी हुई है, इस वाले पेड़ को टंगी हुई, तो इस वाले घास में मेरे को मुक्का मारना पड़ेगा। निकलिए, ओ निकलिए आई पानी की बोतल, ये रही देखो, इसे हम पानी भर के पी सकते हैं। अरे रुक जा, हाँ तो हमने पानी पी लिया। ये क्या है भाई, पत्ता इतना बड़ा कैसे बीच में गिर गया, ये शायद पहले का गिरा था क्या। ये देखो पत्ते की पेड़ कितनी बड़ी है ना, है पूरी हमारे लिए एकदम वो बन गई है, रास्ता पुल सा बन गया है। यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ पर कोई मकड़ा पकड़ा होगा ना, उसे मैं मारने की कोशिश करूँगा अगर मार पाया तो, क्योंकि उनसे हमें मारने के बाद सामान वगैरह मिलता है। ये देखो कौन भाग रहा है, ओ हेलो ये कौन है भाई, ओ भाई एक ही में मार दी मैंने तो, इसे ले लो, पता नहीं क्या था, एक ही में मार दिया बेचारा। तो यहाँ से भाई कौन से वो ट्री था, उस पर आग लग गई थी, उसे देख के आना है मेरे को, और उससे पहले हमें सैप ढूंढनी है। तो ये देखो ये लगी हुई है शायद, सैप यही है क्या, ये क्या चीज़ है, इसे हथौड़ा मार के देखूंगा, इसे हथौड़े से शायद गिर पड़ी नीचे टोड़ा मैंने, ओके ये वाली चीज़ तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही भाई, इसे हम लोग कुल्हाड़ी मार के देख लेते हैं साथ कुल्हाड़ी से। ओके एक मिनट यहाँ पर कुछ है, ये कोई यही चाहिए मेरे को है ना, दो चाहिए ये, तो इस वाले पेड़ पर मिल, ओई बेसबॉल, अच्छा बेसबॉल वाली जगह पर हूँ मैं, तो यहाँ से ले लेते हैं। वैसे मेरे को बहुत सारी चाहिए अगर मिल जाती हैं तो, 3 मिल गई तो हमारी वर्क बेंच तो एकदम मस्त तरीके से बन जाएगी। तो ये वाली बेसबॉल यहाँ क्या कर रही है, इस वाली बेसबॉल में छेद करके काट दूँगा, इस पर तो छेद ही नहीं हो रहा ना, इस पर मैं चढ़ पा रहा, और भाई ये क्या उसे डांस कर रहा है, अच्छा गिर रहा होता मैं, ठीक है। तो यहाँ से अभी मेरे को और भी मिल जाएंगी, ये पेड़ों पर लगी रहती हैं तो सारी चीज़ें, यहाँ से अभी जाके मैं वर्क बेंच बनाता हूँ, क्योंकि वर्क बेंच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपने घर में जाता हूँ दोबारा से। तो अभी यहाँ पे देखो गाइस मेरे को वर्क बेंच बनाने के लिए ये ग्रास प्लैंक भी चाहिएंगे, तो ये कैसे लेते हैं, दो ले लिए मैंने, दो ही चाहिए होते हैं ना वर्क बेंच बनाने के लिए। तो वर्क बेंच बनाने के लिए मेरे पास ग्रास प्लैंक 3 होने चाहिए, स्प्रे है, सैप भी आ गई मेरे पास, तो एक और ग्रास प्लैंक ले लेते हैं हम लोग, ये आ गया अपना ग्रास प्लैंक, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से जाके वर्क बेंच अपनी बना सकता हूँ, क्राफ्ट में जाके वर्क बेंच बनानी है, तो बन जाएगी ना, बन गई। तो यहाँ से हम लोग
अभी एक तो ये इस झोंपड़ी के अंदर नहीं बना सकते कि हम लोग, मेरे को सब सारी चीज़ें अपनी ज़मीन पर रखनी पड़ रही हैं, बाहर निकाल के बताओ वर्क बेंच में इसके बगल रख लेता हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ से कहा था अपनी देखो वर्क बेंच बन चुकी है। ओके ये वर्क बेंच करती क्या है भाई, इस पर होता क्या है? अच्छा इस पर हम लोग वेपन्स वगैरह बना सकते हैं ना, तो ये वाले वेपन्स तो मैं वैसे भी बना सकता था, इसमें कुछ खास है क्या, ये क्या चीज़ है? इस पर मुझे लग रहा है कि शायद इसमें कुछ अलग होता होगा, इसी वजह से हमें वर्क बेंच वगैरह बनानी पड़ी थी। तो स्कैन अ क्लावर लीफ एट अ रिसोर्स एनालाइजर क्राफ्ट अ फाइबर बैंडेज ओके इन्वेस्टिगेट ओके, तो मेरे को बैंडेज भी बनानी है और ये अपना एनालाइजर है, जो भी हमें चीज़ें मिलती है ना तो उसे एनालाइज करके बताता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, तो इसका क्या यूज़ है, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मशीन ये वाली ये बताती है हमें। तो यहाँ से ये देखो मैंने कीड़ा मारा था ना अभी, तो ये इससे हम लोग ये बना सकते हैं स्लिप चप्पल बना सकते हैं। ओ चप्पल चप्पल बनाएंगे भाई, रुको एक मिनट, पहले चप्पल तो बना लेंगे हम लोग, पहले इसमें से भी मेरे को थोड़ी बहुत ये पत्थर भी एनालाइज करना है। इसमें हम लोग एक बार में तीन ही चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, इससे क्या प्लांट लैम्प वर्क बेंच सोप सेप्स कोन, पता नहीं कैसी कैसी अजीब सी चीज़ है ना। तो यहाँ से हमारी एनालाइजिंग कंप्लीट हो गई है। और सेव अ क्लोवर लीफ स्कैन क्लोवर लीफ एट अ रिसोर्स एनालाइजर क्राफ्ट अ फाइबर बैंडेज, फाइबर बैंडेज हम लोग मैंने सब बना लिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है फाइबर बैंडेज बनाने के लिए ये रहा हमारे पास ये सैप। ओके यार मेरे को एक सैप और चाहिए। तो यहाँ पर पानी है, ये देखो गंदा पानी है, इसे भी हम लोग पी सकते हैं, पी लिया। ओए मक्खी, इसे हम लोग पेट भी बना सकते हैं पता है। ओ ये क्या हो गया, ओ ये क्या हुआ, इस मक्खी के पास गया तो इसने डंग वंग मार दिया क्या, मेरा खाना देख रहे हो कितना ख़त्म हो गया। ओके सारे मशरूम खाए जल्दी से, हेल्थ वेल्थ बढ़ा। और इस मक्खी को अभी मारता हूँ रुको, या फिर पानी पीने की वजह से हुआ है गंदा पानी, कोरोना वायरस फैल गया हमें लगता है मुझे। चलिए मक्खी मार दी, आवाज़ कैसी कर रही है, उई उई, इसे ले लेते हैं, इसने मुझे पता नहीं क्या दिया है, जो भी दिया होगा। तो यहाँ पे भाई और भी क्या चीज़ें, ये क्या लगा प्लांट फाइबर, ये चीज़ हमें चाहिए, प्लांट फाइबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम में, उसी से मतलब सारी चीज़ों में जितनी मैं बना रहा हूँ ना सब में यूज़ हो रहा है ये। तो ये वाली इनकी मिस्टीरियस मशीन है, इससे मैं बड़ा होना चाह रहा था पर यहाँ पर आग लग गई। तो ये वाला ओक ट्री है, इस पर आग लगी है, तो मेरे को यही जाना है, इसी को एक्सप्लोर करने जाना है। ओ ये क्या चीज़ है, जूस ड्रॉप, ओए वो चींटी, पागल चींटी है क्या, हूँ मैं डर गया यार अचानक से कि ये आ गई ना भाई मारने। ओ इस चींटी से बताइए, मैं इसे कुछ करता नहीं तो ये मुझे भी कुछ नहीं करती, मैंने फालतू में छेड़ दिया इसे, अभी अपनी कॉलोनी को बुला लाएगी। चल मर गई, मर गई, वाह इन चींटियों को मेरी की ज़रूरत है, इनसे मैं हेलमेट वगैरह बना सकता हूँ, इसलिए इनको मारता रहना चाहिए। जूस ड्रॉप इसे फालतू में पीने का क्या फ़ायदा भाई, मेरे पास अभी हेल्थ पानी सब कुछ ठीक ठाक है, अभी नहीं पी रहे हम लोग, इसे ढकने दो यहाँ पर, जब मेरे को प्यास वगैरह लगेगी ना तब पियेंगे। ओके तो यहाँ पर चींटियाँ इतनी सारी, ओ ये क्या टावर था, ये चींटियाँ मुझसे कुछ नहीं कहेंगी अगर मैं इन पर कुछ नहीं करूँगा तो। ओके क्या हुआ, ना ना मुझसे कुछ नहीं कहेंगी तो फिर मेरे को भी इनसे कुछ नहीं कहना, वरना ये फालतू में भाई यहाँ तो बहुत सारी है, चिपक जाएंगी मेरे से सबकी सब। हेलो चींटी, मेरे को मार तो नहीं रही ना, ये सूंघ रही हैं बस। ओके सूंघ रही हैं तो सूंघ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सूंघने से मुझे। वो यहाँ पे इनकी कॉलोनी वगैरह है क्या, मुझे लग रहा है कि इनका घर है यहाँ आसपास, ये देखो क्या है इतना बड़ा। तो इसमें कैसा पता है, हम लोग चींटियों के घर में भी जाते हैं क्योंकि चींटियाँ शायद हमें कुछ मिलता है इनके घर से, इनकी रानी वगैरह होती है उससे भी लड़ाई वड़ाई होती है क्या। मैं तो ओ हो गिलहरी का, ये देखो आपने देखा होगा गिलहरी से खाती है, कितना बड़ा लग रहा है ये पत्थर, इसे मैं सब उनसे तोड़ पाऊँगा हथौड़े से, मेरे पास हथौड़ा वैसे है अभी पर भाला सबसे बेस्ट है अपना इस हथौड़े से, बट ओके तोड़ सकता हूँ यार, इन्हें तोड़ के देख लेते हैं, इनसे कुछ खाने की चीज़ मिलेगी तो मज़ा ही आ जाएगा। वाह हथौड़ा मैंने बहुत सही बना लिया, अरे वाह टूट गई सेल है ये। तो यहाँ पर और ऊपर चढ़ के देख लेते हैं, यहाँ से ऊपर से मेरे को दिख जाएगा क्या चल रहा है नज़ारा। ओके देखो मेरा घर कितना छोटा घर है मेरा, यहाँ से दिख रहा है मेरे को, और ये यहाँ पर मैं घर भर इसमें कहा देखो ये घास लगी हुई है ना इतनी सारी, इनसे हम लोग घर बना सकते हैं टोट टाल के। और ये वाला पेड़ यहाँ पर आग कहाँ लगी हुई है, ओह देखो आग बो रही, वहाँ पर आग लगी हुई है शायद, देख के आते हैं ज़रा। ओह ये क्या लटका हुआ है, अच्छा ये गोंद है, जैसे कहते नहीं पेड़ों पर से गोंद निकलता था वही है, पेड़ों पर से आपने देखा होगा। तो गाइस देखो ये घर कहीं आग, ओके ये रही आग, तो यहाँ पर आगे करना क्या है मेरे को, इन्वेस्टिगेट द एक्सप्लोजन एट द ओक ट्री, तो यही तो एक्सप्लोजन हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या इन्वेस्टिगेट करूँ उस एक्सप्लोजन को और ज़्यादा। ओके तो यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कोई गेट है, ये हमारे लिए शायद कोई दूसरी वो है, देखो यहाँ पर मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, ये खुल गया गेट अपने आप ही खुल गया, बढ़िया यहाँ पर ये बढ़िया कि लाइट वगैरह है, वरना मेरे को टॉर्च यूज़ करनी पड़ती फालतू में। यहाँ पर कुछ अभी हो, ये क्या चीज़ है, BTU-01 मुझे नहीं पता क्या है, ऑर्डर नंबर 1 पुल। ये क्या चीज़ है, अभी से खींच के देखते हैं। ओह ये क्या चीज़, मैंने कुछ चला दिया क्या यहाँ पर, मुझे तो पता नहीं, अच्छा ये गेट खुल गया है ठीक है, ओक लैब है ये। ओके ओ इतनी, ओ ये कौन है,
अच्छा ये बंदे हैं यहाँ पे रोबोट। अरे एक मिनट, ये तो आता थोड़े से व्हाट। इतनी जल्दी मार दिया? अबे यार इन्होंने तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से छोड़ दिया, मेरी सारी चीज़ें चली गई, मेरे पास बस एक भाला है। ये गलत किया इन लोगों ने यार। कि तो गाय देखो यार, मैं आ तो गया है और पता है यार हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ बहुत जल्दी खत्म हो रही है। और ये देखो भाई लेडी बग, वाह क्या बड़ी लग रही है यार ये। ओह भाई इसकी हेल्थ तो देख रहे हो कितनी है। इसे अभी मारूँ क्या? रहने दो यार, नहीं मार रहा मैं फालतू में, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, बेबंस भी नहीं है अभी। गाइस मैं दोबारा से आ गया हूँ, अभी देखता हूँ उस रोबोट को। पहले तो मेरे को अपना सामान चाहिए भाई रोबोट, ठीक है, तब मैं तो उससे लड़ाई करूँगा। ऐसे मैं लड़ाई नहीं करने वाला था उससे। मेरा सामान कहाँ है? मेरा सामान ये रहा, ले लो भाई सामान को। मैं एक बार को तो डर गया कि भाई यहाँ कौन है। एक मिनट, मेरा हथौड़ा कहाँ है? वो ये क्या है? अच्छा टॉर्च है, टॉर्च नहीं लगानी अभी। हथौड़ा कहाँ है मेरा? ओके मेरा हथौड़ा शायद यहीं कहीं है, तो इसे करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर जितने भी फालतू की चीज़ें हैं सबको फटा के फेंक देता हूँ मैं, इधर डाल देते हैं। ओके तो हथौड़ा आ गया। ओ भाई ये बहुत खतरनाक है यार, भागो यहाँ से, ये बहुत खतरनाक है। अरे भाई इधर ही आ गया है तो। भाई कोई दूसरी वाली दूर चीज़ नहीं है, मेरे पास दूर चीज़ होती तो मज़ा आ जाता यार। या थोड़े इसको मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ भाई यार मैक्स कॉट इलेक्ट्रिक, पहले सामान ले लेते हैं उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपनी। और जो भी है ना ये चीज़ें, यार सामान लिया, ये लिया, पता नहीं क्या क्या ले लिया मैंने। और ये क्या चीज़ है? हेल्प हेल्प। वही एक मिनट इसे सही करते हैं, शायद मुझे लग रहा है ये वाला बॉट उस वाले रोबोट को हरा देगा। अगर हरा दिया तो मज़ा आ जाएगा, ये मेरा असिस्टेंट बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। थैंक्स फॉर द हेल्पिंग हैंड। ठीक है हाँ, वो तो मेरे को दिख ही रहा है यार तू रोबोट है। ठीक है तो गाइस ये वाला रोबोट है, हमारी मदद करेगा बड़े होने में, ठीक है। ज़्यादा मैंने कहा था ना कि भाई ये कुछ साइंटिस्ट वगैरह की, ये देखो डॉक्टर टली की रिसर्च है, तो इस वजह से बच्चे लोग ये छोटे हो गए हैं, ठीक है। तो गाइस देखो ये वाला बॉट है, हमें काम वगैरह दे दिया करेगा, मतलब जो भी ये सिप वगैरह से पता नहीं क्या इसमें कुछ खराब होगा तो हमें उसे सही करना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी हमें इसने काम तो दिया है कुछ। वो भाई ये क्या चीज़ है? रॉ साइंस, अजीब अजीब सी चीज़ें। अभी मैं देख लेता हूँ मैं शायद बो बना सकता हूँ क्या अब, स्प्रिंग बो। तो यहाँ पर यह जींट फज गनाट फज है, जो भी फज है वो चाहिए मेरे को। तो गाइस देखो अभी मैं जा रहा हूँ अपने छोटे वाले घर पे, क्योंकि वहाँ पे जाके मेरे को थोड़े बहुत काम करने हैं, वो भी बनाना है मेरे को, हथियार बनाने कम से कम अच्छे, जैसे कि मैं बहुत जल्दी मरा ना करूँ जैसे रोबोट ने मेरे को दो बार ऐसे मार दिया फालतू में। तो यहाँ से घर पे चलते हैं और बो का इंतजाम करते हैं। ओके गाइस तो देखो ये कैसा कीड़ा मिला है और ये मेरे को मारने वाला है। ओ भाई रुक जाओ, तेरी ये कौन है? लार्वा लार्वा भैया रुक जाओ, लार्वा भैया तुमने तो काम खराब कर दिया अपना। वही निकल लो यहाँ से रे। ओ भाई ये तो बहुत तगड़ा है यार, हट जा यहाँ से, हट जा। ओह माय गॉड भाई इस रोबोट ने मारा तो दो बार कम था क्या? अब ये वाले लार्वा ने भी मार दिया मेरे को, अब इस लार्वा से पंगा लेना पड़ेगा मेरे को। पर उस वाले लार्वा को देखना पड़ेगा, यहाँ से 300 मीटर की दूरी, ज़्यादा दूर नहीं है, पर यार वो बहुत खतरनाक लग रहा था, मैं डर गया उससे यार। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरे हैं भाई, रात में तो बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कीड़े आते हैं। एक मैंने मकड़ा देखा था, एक बहुत ज़्यादा बड़ा था भाई वो रात में, पर मैं अपने घर में छुपा रहा क्योंकि मेरे को डर लगता है ना इस वजह से। थ्रेड डिटेक्टेड, ओके तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है। वो भाई फिर आ गया, वो रुक 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 रुक, मेरे को पहले वो चाहिए अपना बैग, फिर मार दियो तू, कम से कम बैग चाहिए वरना आइटम आइटम मेरे गायब हो जाएगा पूरा। और मैं भाई कैसे भटकूँ? ओ रारी ये तो बहुत तगड़ी जगह पर आ गया, और सामने लेडी बैग है, चलो ये तो कुछ नहीं कही कम से कम। हेलो लेडी बैग मेरी मदद कर दे इन बदतमीज बच्चों को मारने में, चलो यहाँ से निकल ले जल्दी, जैसे मैं लौट के आया था वैसे निकल लेते हैं, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तो गाय देखो यहाँ पर कितने तरीके के कीड़े हैं भाई, ये भी मार रही है मेरे को, भाग ले यहाँ से भाई, सब मार रहे हैं यहाँ पे भाई, यार सब मार रहे हैं यहाँ पे। मेरा बैग कहाँ है? मेरे को बैग छूना है भाई, फिर मार लेना मैं भाई, बैग चाहिए बस मेरे को अपना, उसमें बहुत सारा आइटम है भाई, अगर गलती से ही मर गया ना तो मुझे बहुत दुख होगा। ओके तो गाइस देखो हम लोग शायद मकड़ियों के इलाके में पहुंच गए, यहाँ पर मकड़ी होगी जरूर, देखो वो घूम भी रही है सर नीचे पीली कलर की, यहाँ से तो निकल लेना चाहिए भाई। ये कहाँ मेरा घर कहाँ है? मैं भटक गया क्या? मेरा घर कहाँ है? तो गाइस फाइनली अपने घर पर पहुँच गया हूँ, और ये वाली चीज़ कीड़ा क्या है इसे मार लेते हैं, ये काम आ जाए शायद। रिक्वायर चॉपिंग टूल, एक मिनट चॉपिंग टूल नहीं चाहिए मेरे को। और यहाँ पर मेरे को वाटर कंटेनर भी बनाई लेते हैं क्योंकि इसकी भी सख्त हमें जरूरत। ओ भाई कितना बड़ा है यार ये, एक तो जगह भी तो होनी चाहिए यार कहीं रखने की, ये गलत बात है ना। इसे हम लोग इधर ही रख देते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं कैसा होता है, उसे हम बाद में उठा भी सकते हैं। तो स्लर्प, एक मिनट इसके अंदर पानी भी तो होना चाहिए स्लर्प करने के लिए। तो गाइस देखो यार आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें देखूंगा इस गेम के बारे में कि कैसे और क्या क्या होता है। तो गाइस देखो आज वाली वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपने ये वाला गेम खेला हो तो मुझे इसमें कैसे कैसे क्या करना चाहिए, इसमें पानी वगैरह कैसे भरूँ, और भी इसमें चीज़ें कुछ बताना जिससे मेरे लिए आसान हो जाए। तो आज वाली वीडियो में गाइस देखो इतना ही, अगर ये वाली वीडियो को थोड़ी सी अच्छी लगे तो मेरी लाइक से सब्सक्राइब जो करना गाइस, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जो करना। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय।